फन एपिसोड 14 आज करेंगे सुरेश राणा जिन्हें अब मिस्टर आईपीएल कह के भी हम बुलाते हैं। जरूर हम आईपीएल की आज बात नहीं करेंगे, हम आज उनकी इंटरनेशनल करियर के ऊपर डालेंगे नजर कि कितने वो ग्रेट प्लेयर रह चुके हैं इंटरनेशनल करियर में। 27 नवंबर 1986 में उनका बर्थ हुआ था, जहां पर उन्होंने फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से चालू करते हैं। उन्होंने तीनों फॉर्मेट खेला, तो टेस्ट क्रिकेट से चालू करते हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर उन्होंने 2010 से 2015 में 5 साल का उनका करियर लास्ट हुआ। यहाँ टेस्ट करियर में 18 उन्होंने मुकाबले खेले, 700 से ऊपर रन बनाया, 1 शतक और 13 विकेट उन्होंने टिकाया। ऑलराउंडर थे और स्पिन करते थे पार्ट टाइमर, जहाँ पर उन्होंने कौन से टीम के सामने कैसा प्रदर्शन किया, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 मुकाबलों में 1 विकेट टटकाया, 113 रन बनाया। इंग्लैंड के सामने 4 मुकाबले 105 रन और 4 विकेट टटकाते नजर आए। न्यूजीलैंड के सामने इन्होंने न्यूजीलैंड के सामने 5 मुकाबले के लिए 84 रन बनाया और 5 विकेट टटकाया। साउथ अफ्रीका के सामने इन्होंने 1 मुकाबला खेला, 6 रन बनाकर इनके खाते में 1 भी विकेट लाने में सफलता नहीं हासिल किया। और आपको बताएं श्रीलंका के सामने इन्होंने आपका 2 मुकाबलों में 1 शतक जड़ दिया था, 223 रन इन्होंने बनाया। और आपको बताएं वेस्ट इंडीज में इन्होंने आपका 3 मुकाबलों में 400 रन इन्होंने वेस्ट इंडीज के अंदर इन्होंने 332 रन इन्होंने बनाया, 3 विकेट भी चटकाए इन्होंने। कौन से जगह में जाके इन्होंने प्रदर्शन किया, तो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक मुकाबला खेला, इनका वहाँ पर खाता खुला नहीं था। इंग्लैंड के अंदर इन्होंने 4 मुकाबले खेले 78 के हाईएस्ट के साथ 105 रन बनाया। भारत के अंदर इन्होंने 202 रन बनाए, 7 मुकाबलों में 6 विकेट भी चटकाया। साउथ अफ्रीका में 1 मुकाबला खेला, 6 रन बनाया। श्रीलंका के अंदर इन्होंने 2 मुकाबले में 223 रन बनाया। वेस्ट इंडीज के अंदर 3 मुकाबले 232 रन और 3 विकेट भी लेते नजर आए। कौन से कॉन्टिनेंट में जाकर कैसा किया, तो आपको बताएं अफ्रीका के अंदर 1 मुकाबला 6 रन, अमेरिका के अंदर 3 मुकाबला 232 रन और आपको बताएं एशिया के अंदर 9 मुकाबले 425 रन, 6 विकेट। यूरोप के अंदर 4 मुकाबले 105 रन, 4 विकेट। ओशियानिया के अंदर 1 मुकाबला इन्होंने खेला। भारत और भारत के हार में इनका कैसा रिकॉर्ड नजर आया, तो बताएं आपको 7 मुकाबले में 202 रन बनाते नजर आया आपको, 6 विकेट इन्होंने चटकाया। अभी भी बाहर जाकर इन्होंने 11 मुकाबले खेले, 566 रन बनाया, 7 विकेट बाहर में भी चटकाया। जो आपको बताया 4 साल इन्होंने क्रिकेट खेला, बीच गए 2013-2014 में नहीं खेला उन्होंने, तो आप यहाँ पर आपको बताएं 6 साल उनका करियर के अंदर उन्होंने 4 साल क्रिकेट खेला, मिनिमम 1 मुकाबला मिनिमम उन्होंने खेला ही। कौन से कप्तान के अंदर में खेला, विराट कोहली और एमएस धोनी के कप्तानी में इन्होंने मुकाबले खेले। विराट कोहली के कप्तानी जो 1 ही मुकाबला खेला, धोनी के कप्तानी में 17 मुकाबले खेले। इज अ कैप्टन, इज नॉट अ कैप्टन, कभी कप्तान रहे नहीं, विकेट कीपर भी कभी थे नहीं वो। टॉस के अंदर बॉर्डर टॉस के अंदर 6 मुकाबले 264 रन, 5 विकेट। लॉस टॉस के अंदर 12 मुकाबले 120 हाइएस्ट 504 रन, 8 विकेट। यहाँ पर आपको बताएं तो उस टेस्ट मैच में तो सिर्फ इतने मुकाबले थे, आपको बताएं तो यहाँ पर 18 ही मुकाबले उन्होंने खेला। यहाँ पर उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, लेकिन इन्होंने ओडीआई इन्होंने बहुत ज़्यादा खेला, इन्होंने 226 ओडीआई खेला। तो इनके ओडीआई करियर के ऊपर डालते हैं पहली नज़र, जहाँ पर हम जानेंगे उनके इनर थोड़े से डालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने 2005 से 2018 में इन्होंने खेला, 226 मुकाबले खेले, 5600 ऊपर रन बनाया, 5 शतक और 36 विकेट लेते नजर आए। कौन से टीम के सामने कैसा प्रदर्शन, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने 25 मुकाबले 2 विकेट 537 रन, बांग्लादेश के सामने 13 मुकाबले 481 रन 4 विकेट, इंग्लैंड के सामने 37 मुकाबले 7 विकेट 1 शतक उन्होंने बनाया, 1200 से ऊपर रन भी बनाते नजर आए। हांगकांग के सामने 1 मुकाबला 101 रन, आयरलैंड के सामने 1 मुकाबला खेला, न्यूजीलैंड के सामने 13 मुकाबले 274 रन, पाकिस्तान के सामने 20 मुकाबला 510 रन, साउथ अफ्रीका के सामने 19 मुकाबला 355 रन, श्रीलंका के सामने 55 मुकाबले 1200 से ऊपर रन, यूएई के सामने 1 मुकाबला खेला इन्होंने, वेस्ट इंडीज के सामने 33 मुकाबले 621 रन, 12 विकेट भी चटकाते नजर आए। जिम्बाब्वे के सामने 8 मुकाबले 247 रन, 1 विकेट वहाँ पर भी लिया। कहाँ जाकर इन्होंने प्रदर्शन किया आपको बताते हैं, अफ्रीका के अंदर इन्होंने आपका
21 मुकाबलों में 391 रन बनाया, दो विकेट भी चक्का दे नजर आए। अमेरिका के अंदर उन्होंने 15 मुकाबले 274 रन और 3 विकेट उन्होंने चकाया। एशिया के अंदर सबसे आम मुकाबले 145 मुकाबले 3800 रन उन्होंने बनाया, 24 विकेट भी चक्का दे नजर आया, 3 शतक भी बनाने में सफलता हासिल की। यूरोप के अंदर जाकर 1 शतक भी लगाया, 4 विकेट भी चकाया, 17 मुकाबले में 422 रन भी बनाया। ओशिया के अंदर जाकर 28 मुकाबले 728 रन और 3 विकेट और 1 शतक भी वहां पर चलते नजर आए। बाहर और घर के बाहर और ना घर पे ना दूसरे के घर पे, एकदम बीच के कोई मैदान में भी है तो वहां पर होम के अंदर 81 मुकाबले 2000 से ऊपर रन 17 विकेट, अवे के अंदर इन्होंने 97 मुकाबले 2200 से ऊपर रन और 16 विकेट, न्यूट्रल के अंदर 48 मैचेस 1300 से ऊपर रन और 3 विकेट। बाई ईयर में अगर देखेंगे तो 2005 में 8 मुकाबले 89 रन, 2006 में 26 मुकाबले 506 रन, 2007 में 2 मुकाबले 23 रन, 2008 में 19 मुकाबले 680 रन, 2009 में 27 मुकाबले 605 रन, 2010 में 24 मुकाबले 631 रन, 2011 में 29 मुकाबले 722 रन, 2012 में 17 मुकाबले 492 रन, 34 मुकाबले 2013 में 707 रन 60 रन 70 रन सॉरी 2015 के अंदर 20 मुकाबले 517 रन, 2018 में 3 मुकाबले 47 रन। बताया आपको, अब चलते हैं कौन से कप्तान के अंदर में इन्होंने खेला। इन्होंने कप्तानी भी की तो 12 मुकाबलों में महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, विराट कोहली, सुरेश अपने कप्तानी में और वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में इन्होंने खेला। धोनी के अंडर में इन्होंने सबसे ज़्यादा मुकाबले खेले, राहुल द्रविड़ के कप्तानी में 2-3 साल वहाँ पर खेला, गौतम गंभीर की कप्तानी में 2010-2012 में किया 3 मुकाबले में, क्योंकि धोनी वो समय अवेलेबल होंगे। आपको बताएं बतौर कप्तान उन्होंने 12 मुकाबले खेले, वहाँ पर 232 रन बनाते नजर आए, 3 विकेट भी चटकाया। एज मॉन रहता कैप्टन उन्होंने बहुत सारे मुकाबले खेले। चले अगर आपको बताएं तो फर्स्ट मैच इनिंग और सेकंड मैच इनिंग में रविंद्र चेज और फर्स्ट बैटिंग के अंदर इन्होंने 2800 से ऊपर रन बनाया, सेकंड बैटिंग के अंदर 220 मुकाबले 2745 रन वहाँ पर भी बनाते नजर आए। इनका बैटिंग का एवरेज 32 फर्स्ट इनिंग में और 38 इनका सेकंड इनिंग में नजर आया। डे मुकाबलों के अंदर 71 मुकाबले 1400 से ऊपर रन और डे नाइट मुकाबलों में 4100 से ऊपर रन 155 मैचेस। बताएं आपको दो टीम की सीरीज के अंदर 146 मुकाबले 3687 रन, 45 का बैटिंग एवरेज, 29 विकेट्स, 4-3-4 टीम सीरीज के अंदर 51 मुकाबले 1100 से ऊपर रन, 1 शतक, 5 विकेट, 5 प्लस टीम सीरीज के अंदर 29 मुकाबले 825 रन, 3 शतक, 2 विकेट इन्होंने चटकाया। बताएं आपको मेजर ट्रॉफीज के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर 12 मुकाबले 358 रन, 2 विकेट, 1 शतक। एशिया कप ओडीआई में 13 मुकाबले 547 रन, 60 का बैटिंग एवरेज और आईसीसी में चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 11 मुकाबले 95 रन 15 का एवरेज बैटिंग एवरेज नजर आया। फाइनल के अंदर कैसा किया तो बताएं आपको, टूर्नामेंट फाइनल के अंदर 9 मुकाबले 245 रन, 1 विकेट, 1 शतक। टूर्नामेंट सेमी फाइनल के अंदर 3 मुकाबला 50 रन 50 का एवरेज, क्वार्टर फाइनल के अंदर 2 मुकाबला 99 रन 65 का हाईएस्ट 99 का बैटिंग एवरेज। प्राइमरी मैचेस के अंदर 66 मुकाबला 1534 रन 634 का एवरेज, 6 विकेट भी चटकाया। टी ट्वेंटी आई क्रिकेट के अंदर भी इन्होंने 78 मुकाबला खेलने में सक्षमता हासिल की और इन्होंने वो कार्य किया भी और यहाँ पर इन्होंने 13 विकेट भी चटकाया 29 के एवरेज के साथ भी, तो इन्होंने 1600 के ऊपर रन भी बनाए। कौन से टीम के सामने कैसा किया ये आपके सामने स्टार्ट्स है। यहाँ पर अफगानिस्तान 2010 से 2012 दो मुकाबला खेला, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूएई, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, उन्होंने सबके सामने इन्होंने प्रदर्शन किया। इन्होंने यूएई के सामने एक मुकाबला खेला, वहाँ खाता नहीं खुला था, वो वहाँ पर बैटिंग ही नहीं आई। बताएं आपको ऑस्ट्रेलिया के सामने 10 मुकाबले 170 रन, बांग्लादेश के सामने 8 मुकाबले 128 रन, आयरलैंड के सामने 3 मुकाबला 79 रन, पाकिस्तान के सामने 6 मुकाबला 47 रन, साउथ अफ्रीका के सामने आपका इन्होंने खेला। कहाँ जाकर इन्होंने प्रदर्शन किया, इन्होंने जा जाकर भी इन्होंने प्रदर्शन किया, इन्होंने खाता अपना विकेट का भी खोला था। और बताएं आपको घर पे और बाहर में कैसा किया, तो घर पे इन्होंने 22 मुकाबले के लिए 480 रन बनाया, 7 विकेट भी चटकाए। बाहर जाकर इन्होंने 32 मुकाबला खेला, 700
8 रन बनाया और 2 विकेट लटकाते 4 विकेट लटकाते नजर आया। और न्यूट्रल वेन्यू में 24 मुकाबला खेला तो 2 विकेट वहां पर भी चटकाया, 479 रन भी बनाते नजर आए। इन्होंने कुल आपका 11 साल इन्होंने T20 क्रिकेट खेलते नजर आए आपको बताएं तो। अब महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना अपने कप्तानी में और वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा की कप्तानी में भी खेल खेलते नजर आए। बतौर कप्तान सिर्फ 3 मुकाबले में थे, 102 रन भी वहां पर बनाते नजर आए। बताएं आपको डे मुकाबला और डे नाइट मुकाबला और नाइट मैच के अंदर, डे मुकाबला के अंदर 14 मुकाबले 481 रन, डे नाइट मुकाबला 30 मुकाबले 510 रन, नाइट मुकाबला के अंदर 34 मुकाबला 614 रन, जीतने के समय में 50 मुकाबले 1052 रन, लास्ट मैच के अंदर 28 मुकाबला 551 रन, 623 का एवरेज, लास्ट मैच में 32 का एवरेज वन मैच में। तो जीत में भी इनका अहम योगदान निभाते हैं। मेजर ट्रॉफीज के अंदर मेन्स T20 एशिया कप के अंदर 5 मुकाबले 39 रन और मेन्स T20 वर्ल्ड कप के अंदर 26 मुकाबले 453 रन और 5 विकेट भी कटाया, एक शतक भी वहां पर जलते नजर आए। T20 के अंदर इनका शतक भी शामिल है। टूर्नामेंट फाइनल के अंदर जा रहे तो वहाँ पर 3 मुकाबला फाइनल के अंदर पता भी नहीं बुलाया, 1 विकेट यहाँ चटकाते नजर आए। टूर्नामेंट सेमीफाइनल के अंदर 2 मुकाबले 21 रन इन्होंने बनाया और प्राइमरी मैचेस के अंदर 31 मुकाबले 574 रन और 4 विकेट चटकाते नजर आए। तो ये था एपिसोड नंबर 14 आपका, बात कर रहा था मैं सुरेश रैना की और जर्नी ऑफ लेजेंड्स के अंदर आज इनका आदित के बारे में हमने बात की। जर्नी ऑफ लेजेंड्स का सीजन नंबर 1 एपिसोड 14 में आप देख रहे बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो चुका हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।